तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध की गाथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पांडवों को नरक क्यों जाना पड़ा था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह सब तो आप भली भांति जानते होंगे। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। हालांकि आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में तो बुरे कर्म ही किए हैं, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसे स्वर्ग में जाने का मौका क्यों मिला। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि दुर्योधन की ही बात कर रहे हैं। वैसे आप सबने दुर्योधन का नाम तो सुना ही होगा। बता दें कि दुर्योधन वही है जिसने महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, मगर इतना बुरा काम करने के बावजूद भी उसे मरने के बाद स्वर्ग में क्यों जगह मिली। आइए हम आपको बताते हैं इस तथ्य के पीछे छुपी कहानी को। तो दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह दुर्योधन की खूबी जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसा माना जाता है कि यदुवंशियों की मौत की खबर से पांडवों को काफी दुख हुआ था, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप कर वह हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े थे। स्वर्ग यात्रा जाने के क्रम के बीच रास्ते में ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं। आखिर युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता स्वर्ग के मार्ग पर चलते रहते हैं। कहा जाता है कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा उनका भाई दुर्योधन एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और वहां आसपास कोई नहीं था। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहाँ मेरे भाई और द्रौपदी मौजूद हैं। देवताओं ने युधिष्ठिर की बात मानते हुए उन्हें देवदूत के साथ नरक के मार्ग पर भेज दिया। रास्ते में बहुत अंधेरा था। वह रास्ता बहुत ही ज्यादा बदबूदार और आसपास बहुत से शव पड़े हुए थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर बोले, मुझे वापस ही ले चलो। जैसे ही युधिष्ठिर वापस स्वर्ग जाने लगे तो उन्हें बहुत दुखी स्वर में लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। उन लोगों की पहचान पूछने पर उन्होंने बताया कि वह उनके भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी हैं। उनकी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने वहीं ठहरने का फैसला कर लिया। देवदूतों ने युधिष्ठिर के नरक में रहने की बात जब इंद्रदेव को जाकर बताई, कुछ ही देर बाद इंद्रदेव और अन्य देवतागण नरक लोक में पहुंच गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर उजाला हो गया और वहां मौजूद बदबू खुशबू में बदल गई। देवताओं ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने छल करके द्रोणाचार्य को उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर दी थी, जिससे उनका युद्ध में मन हट गया था और उनकी मृत्यु हुई थी। उसी तरह तुम्हें छल से यहाँ बुलाया गया था। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे बाकी भाई और द्रौपदी भी वहीं हैं। स्वर्ग पहुँचने के बाद भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, अधर्मी दुर्योधन ने तो इतने पाप किए हैं, उसके बावजूद भी उसे स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा, अधर्म का रास्ता अपनाने के बावजूद भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर ने आगे कहा, दुर्योधन का एक ही लक्ष्य था और उसने जो भी कर्म किए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए थे। उसने अपने लक्ष्य के साथ किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया था। दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए थे, जिसके कारण वह सही मार्ग पर नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने लक्ष्य के लिए जो सही लगा वह सब प्रयास किया और यही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जान गए होंगे कि दुर्योधन को इतने बुरे कर्म करने के बाद भी स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को अच्छे कर्म करने के बाद भी नर्क क्यों मिला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी, जय हिंद, वंदे मातरम।